उत्तर प्रदेश के बरेली में अनस अंसारी नाम के युवक ने बागेश्वर धाम महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी। अनस ने सोशल मीडिया पर धमकी भरा पोस्ट कर लिखा, बाबा पर मौत का खतरा मंडरा रहा है। अनस की इस पोस्ट से बवाल मच गया। हिंदू संगठनों ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। आरोपी अनस ने इंस्टाग्राम पर अपनी आईडी बना रखी है। इस पर उसने सनातन धर्म और उसके प्रचारक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर भड़काऊ पोस्ट की। अनस ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी भी दी। अनस ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि बाबा की मौत मंडरा रही है। वहीं अनस की पोस्ट वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई और इसके बाद उन्होंने एडीजी और आईजी को टैग करते हुए आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं इस मामले को लेकर देहात एसपी राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि अनस अंसारी ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस की तरफ से हाफिजगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना क्षेत्र हाफिजगंज के ग्राम चना मुरापुर में रहने वाले एक अनस अंसारी नाम के व्यक्ति ने एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर एक चैट वायरल की थी, जिसमें एक सनातनी धर्म प्रचारक को जान से मारने की धमकी देने और आपत्तिजनक जो है टिप्पणियां की थी। इसके संदर्भ में थाना हाफिजगंज में 295A IPC, 506 IPC व IT एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है और शेष आवश्यक विधिक कार्रवाई संपादित कराई जा रही है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।